हिचकी आ रही है माता रानी। हिचकी क्यों? हिचकी तब आती है जब कोई याद करता है, लेकिन मुझे कौन याद कर सकता है? माता रानी आपके भक्तजन बहुत है। हाँ माता रानी, देखिए आपके भक्तगण कितना याद कर रहे हैं आपको। भक्तगण, तो आप लोग मुझे याद कर रहे हैं? मैं अभी आती हूँ। क्या करना है? माता, आपके भक्तगण आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए बड़े उतावले हैं। तो किसको जूता चाहिए? नहीं, मैं बताऊंगी कि किसको जूता मिलेगा। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा दो, ये वाला बाद में। किसको किसको मारना है? किसको? ये वाली, लास्ट वाली को। वो वाली लाल साड़ी वाली को। बोलो क्या चाहिए? हे माता, मेरा पति बहुत दारू पीता है। दारू क्या होती है? अच्छी चीज नहीं होती, बहुत बदबू आती है। तो दारू अच्छी चीज नहीं होती है। उससे बहुत बदबू भी आती है। ठीक है, छूट जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी। ये जूता लो, अब जाओ अपने पति को इतने जूते मारो कि उसकी दारू छूट जाए। उनको मजा आना चाहिए। जाओ जाओ जाओ।
लगता है माता रानी आपका कोई भक्त आपको बहुत दिल से याद कर रहा है। क्यों? कहते हैं माता रानी जब याद करने वाला सामने हो या उससे बात हो तो हिचकियाना बंद हो जाती है। लेकिन लेकिन ऐसा कौन सा भक्त है जो मुझे इतना याद कर रहा है? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। शराब अच्छी चीज नहीं होती है और उससे बदबू बदबू। हाँ बदबू भी आती है। जाओ सच्चे मन से पूजा करो, सब अच्छा होगा। जाओ माता रानी की जय। माता रानी की जय। अब मैं पंडाल में जाऊंगी, मेरे लिए पालकी तैयार करो। चलो माता रानी की। अपनी बीवी पे शक है ना? हाँ। अरे तो एक फोटो दीजिए उसका। सारी पोल पट्टी बता देंगे, सारी जन्म पत्री रख देंगे तुम्हारे सामने। कैसे? कैसे? अरे हम चाय पी के बता देते हैं कि इसमें चाय की पत्ती कौन सी दुकान से आई है, पानी कौन से नल का मिला हुआ है। तब तो भैया हम शाम को ही देते हैं फोटो। शाम को नहीं कल मिलते हैं, ठीक है? बहुत अर्जेंट काम आ गया हमको। अबे जल्दी जल्दी। अरे मिलते हैं बाद में मिलेंगे भैया, काम याद आ गया हमको। सुनो कहाँ जा रहे हो? रुक जाए बस भैया, हमको माफ कर दीजिए, हम बिना बताए वहाँ से चले आए थे। वो चक्कर क्या है, वो पप्पू यादव की वजह से। हम पप्पू यादव जेल चला गया। पप्पू यादव जेल चला गया? बहुत बढ़िया, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। अच्छा ये बताइए कि भाभी को पता चला? नहीं, उसे को ढूंढने के लिए तो यहाँ पर आया, साला एक महीने से छान रहे कहीं नहीं मिले, इसलिए तो अर्दू आया उसको देखने के लिए। दादियाँ मिल जाए हमको। अरे तो बस भैया कहा है, हम है ना आपके खबरी, मिलके ढूंढेंगे भाभी को, कहे नहीं मिलेंगे। बहन जी कुछ सुना क्या? माता रानी ने चमत्कार कर दिया। वो चंपक लाल है ना? कौन? वो शराबी जो नाले में पी के शराब पी के पड़ा रहता है। माता रानी ने उसको एक जूता दिया और कहा अपने पति को पीटो, और उसने पीटा। पीटने के बाद वो शराब छोड़ दिया। अब इधर क्या देख रहे हो गुड्डू भैया? काम हो गया, आप चलिए जूता माता रानी के दरबार में, वहीं से संकेत मिलेगा कि भाभी कहाँ है। अपनी बकवास बंद करो, हमको विश्वास नहीं सब चीजों पर। यहाँ तो ये हाल है कि माता रानी के दरबार में जाने के लिए जिसका एक बार जूता चोरी हो जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझता है। ये समझ लीजिए, कल जूता तो हमारा भी चोरी हुआ था, इसलिए तो आए थे हम यहाँ दुकान पे जूता खरीदने के लिए। नहीं आपका भी जूता चोरी हुआ था तो मतलब काम बन गया, आप चलो हमारे साथ। अरे हमको नहीं जाना यार। अरे आप चलिए तो काम बन जाएगा भैया, हट मत कीजिए यार, फालतू की जिद कर रहे हो तुम यार। चलिए जूता माता रानी की जय। 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 ये मुझे इतनी हिचकी क्यों आ रही है? माता रानी आप थोड़ा सा जूस पी लीजिए, आपकी हिचकी रुक जाएगी। हाँ ठीक है लाओ दो। जूता वाली माता की, जूता वाली माता की। अरे रुको 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 रुको, उतारो 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 उतारो, हमको उतारो उतारो, जल्दी उतारो उतारो।
अरे गुड्डू भैया तो जूता माता हैं। जूता माता नाच रही हैं। अबे जूता माता नाच रहे हैं तो हमको क्या लेना था? हम रुंजु को ढूंढने के लिए हैं कि नाच गाना देखने के लिए? गुड्डू भैया बस एक बार देख लो, बस एक बार दर्शन कर लो, बस काम बन जाएगा भैया। यार भैया आओ भैया, एक मिनट देख लो भैया। अरे मेरी हिचकी तो रुक गई, लेकिन कैसे रुकी? क्या बोल रही थी वो औरत? कि याद करने वाला अगर सामने आ जाए तो हिचकी रुक जाती है, लेकिन ये मेरे पास से मुंह फेर के कौन जा रहा है? कहाँ गुस्सा कर रहा है? अरे हो गया ना, बस देख लिया ना, बात खत्म हो गई। अरे अरे एक अरे एक सेकंड रुकते, देखते, आशीर्वाद लेते तब चलते। साले जूता किसने मारा? अरे जूता मैया ने मारा है, आशीर्वाद दिए हैं आपको। अरे वाह, जय जूता मैया की। बस जूता मैया की तो ऐसी कितना ही। अरे अरे गुड्डू भैया आपको गलत फहमी हुई है, ये जूता माता है, रुंझू नहीं है। ये कोई जूता माता नहीं है, ये मेरी रुंझू है। अरे कैसे हो सकता है गुड्डू भैया, जूता माता को एक महीना हो गया हरदोई में। हाँ तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमने रुंझू एक महीने से गायब है। बात को समझो, एक बार गलती कर चुके हैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम हमको बताओ ये रहती कहां पर? अब रहने का क्या है गुड्डू भैया, यही दरबार लगता है जूता माता का, हजारों लोग आते हैं वहां पर, बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है, कानपुर बनारस अलाहाबाद पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। अरे हमको नहीं सुनना, हमको पैसे बताओ कहां है। चलो तो ठीक है, चलो अपने सलने का यही बात है उनका, चलिए। क्या हो, क्या रहे? चलो मेरे साथ, सबके सब इंतजार कर रहे हैं घर पे, चलो। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। सीता माता रानी की जय। 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 कुटिल आत्मा को झाड़ू बुहारने लगाने वाली की जय। आइए माता जी, माता जी आप आइए, हम धन्य हो। माता जी ये आपके स्वागत के लिए फूल है माता जी। हाँ लेकिन वो ये कांटे वाले फूल क्या कहते हैं उन्हें? गुलाब। हाँ वो गुलाब की माला। माता जी गुलाब नहीं पसंद है। माता जी ये सबसे अच्छे फूल है माता जी, सब जगह इस्तेमाल होते हैं माता जी। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं पसंद है गुलाब। नहीं
यहाँ पे कोई दरबार नहीं लगेगा, कोई जूता नहीं मिलेगा। मैं जा रही हूँ। माता जी ऐसा मत कीजिए, माता जी ऐसा मत कीजिए, माता जी क्षमा कीजिए हमें माता जी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं जा रही हूँ। माता जी नहीं, मुझे पालकी में भी नहीं जाना है। कैसे जाऊँ? हाँ मैं उस कार से जाऊंगी। माता जी रुकिए, माता जी रुकिए, माता जी रुकिए। आप लोग साइड में आइए, आप लोग साइड में प्लीज आइए। माता जी ये भीड़ बाहर खड़ी है और टेंशन आए खड़े हैं सारे। गुड्डू भैया आओ तो जरा पता करें। आइए भैया, मजमा काहे लगा हुआ, ये क्या हो गया? का करे भैया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। माता जी के लिए गुलाब के फूल का हार लाया था, उन्हें गुलाब के फूल पसंद नहीं है, बोलती है काटो वाले हैं। चली गई, दरबार भी नहीं लगाई। अरे गुड्डू भैया काहे परेशान हो रहे हैं? अरे कहाँ मिलेंगी जूता माता, हम पता करेंगे ना। तुम्हें उम्मीद है मिल जाएगी। हाँ पता नहीं हमको भी ऐसा लग रहा है कि शायद वापस यहीं पर आएगी वो। कहाँ हो धर्म पत्नी, बार बार लग रहा है कि तुम जरूर आओगी। लोग कहते हैं कि जो होने वाला होता है उस बात को मन पकड़ लेता है, और हमारा मन कह रहा है कि तुम जरूर आओगी। अबे ये हिचके तो फिर से आने लगे। दीदी क्या हो गया? रुको, लगता है मुझे कोई बात याद कर रहा है। वापस जाना होगा, नहीं तो मैं तो हिचक के मर जाऊंगी। चलो वापस चलो। माता रानी की जय। हमारा हाथ, हम तुम्हारा हाथ छोड़ गए? क्या हो क्या गया तुमको, और कहाँ चले गए थे तुम? हाँ ये सब क्या है? कौन? हम कौन है? हम कुट्टू शुक्ला हैं, तुम्हारे पति। क्या हो क्या रहे? हम तुमसे बात कर रहे हैं, क्या हो रहे? चलो मेरे साथ, सबके सब इंतजार कर रहे हैं घर पे, चलो।